हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लेफुल स्टडी में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। उनका एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी हो चुका है, यानी कि आप चेक कर पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस शहर में दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक स्टेप करके कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका किस शहर में एग्ज़ाम है। सबसे पहले आपको आना है SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड जो ऑप्शन आएगा उसको, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा, तो आप रोटेट कर लीजिएगा मोबाइल के स्क्रीन को, ठीक है। जैसे ही आप रोटेट करेंगे, आपका इस तरह से एडमिट कार्ड यहाँ दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। एक पोर्ट्रेट मोड होता है, मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे कि ये होता है पोर्ट्रेट मोड, इस तरह से अगर आपका दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर पोर्ट्रेट मोड आपका है तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखें, यहाँ पर जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये एडमिट कार्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो एडमिट कार्ड पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। अगर आपके पास वैसे इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, एडमिट कार्ड। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको फिर से कैसे, अगर मोबाइल को आप इस तरीके से मोड़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपली एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको एक साइट खुलेगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड के बाद आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें, यानी कि रीजनल वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, देखिए, जैसे कि ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, और इस तरीके से आपको सेंट्रल रीजन में आना है, ठीक है। यहाँ पर इस रीजन को आपको क्लिक करना है। अब मान लेते हैं कि आपको इतनी सारी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सीधे लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल रीजन में आने के बाद इस तरह से आपका खुलेगा। तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करके यहां पे डायलॉग बॉक्स को हटाना होगा। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स जो है हट गया। अब देखिए, पहला ही ऑप्शन दिखा रहा है स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल। अब इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो चलिए क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, एक और आपका पेज खुलेगा यहाँ पर, और देखिए अब यहाँ पे पेज जैसे ही खुला, इस तरीके से आपका स्क्रीन पर शो करेगा। अब आपको प्रोसीड नाउ, ठीक है, ये जो दिख रहा है ऑप्शन प्रोसीड नाउ, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस, अब ये आ गया आपका स्टेटस। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन अप्लीकेंट हैं तो क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ये ह्यूमन कैप्चा जो दिया हुआ है उसको आपको भरना है, ठीक है। 7714 होता है, या उसके बाद सर्च पर आपको क्लिक करना है। अगर मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर देकर यहाँ से आप इसको भर के भी सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप अपना नाम यहाँ पर, फादर्स नेम, पिताजी का नाम, और यहाँ पर फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर और ये कैप्चा को भरकर फिर सर्च क्लिक करिए, आपका यहाँ पर खुल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको इतनी सारी परेशानियों से बचने का एक सिंपल सा तरीका क्या है। तो आपको यहाँ पर देखिए SSC CR, ठीक है, CR आपको क्लिक करना है। वैसे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, CR, देखिए अब ये cr.org.gov, ठीक है, .org आपको क्लिक करना है, और उसके बाद सीधे यही पेज आपका खुल जाएगा। अगर मान लेते हैं आप नहीं खोल पा रहे हैं, तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डायरेक्ट चेक करने का, आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी आपको नोटिस या नोटिफिकेशन जो भी होगा वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।